हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आई होप यू आर एकदम मस्त और एकदम स्वस्थ। तो अभी बज रहा है सुबह के 7:10 हो रहा है अभी, और जस्ट थोड़ा देर पहले सो के उठ के सारा काम फिनिश हो गया है। और बहुत दिन से मैंने अपने फेस पे पैक वगैरह नहीं लगाया, सोचा मैं लगा लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है यार। मेरे को लगता है 360 डेज में से 300 डेज तो मैं स्कूटी चलाती हूँ क्योंकि इधर से उधर जाना पड़ता है, तो जैसे मेरे फेस में इतना डस्ट हो गया, प्लस यहाँ पे देखो इतना बड़ा टिकली सा लग रहा है कि टिकली लगा लिए हैं। तो कोई बात नहीं, तो पहले तो आज मैं बताऊँगी कि मैं क्या क्या होम रेमेडीज यूज करती हूँ फेस पे, और आपको भी दिखाती हूँ। उससे पहले आज मौसम का हाल चेक कर लेते हैं। तो अभी तो धूप निकली भी नहीं है, और देखो दिवाली का अभी तक से लगा ही रहेगा क्योंकि छठ पूजा चल रहा है। छठ पूजा के बाद ही हटेगा ये। और अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, सबसे पहले इसको पी के ख़त्म करते हैं। और मैंने यहाँ पे डेट और टाइम टेबल अपना लिखा, पर लेकिन आज तक मैंने फॉलो नहीं किया है। पता है मतलब ऐसे हम जाए तो मेरा नजर यहीं पे पड़ेगा, पर लेकिन एक बार ये लगा देने से नजर ही नहीं जाता है। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि फिर हमें गाँव जाना है। और तो सबसे पहले हम बाल को टाई कर लेंगे, और कल मैं इस ड्रेस को पहन के गई थी और इसी को पहन के सो गई। और मम्मी भी अभी एक्सरसाइज करके आए हुए हैं। मम्मी बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा वो एक्सरसाइज पे ध्यान देती हैं, खाना पे ध्यान देती हैं, हर एक चीज पे ध्यान देती हैं, और हम बहुत ज्यादा आलसी इंसान। मम्मी रोज मॉर्निंग में एकदम टाइम पे उठ जाएंगे और एक्सरसाइज करने के लिए चल जाएंगे। सो प्राउड ऑफ यू मम्मी। वैसे मम्मी का भी एवरेज बढ़ गया, तो हम एवरेज बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना कर लेंगे, उसके बाद फिर मम्मी का करते हैं। उसके लिए हम एक एलोवेरा जेल लेंगे, कोई सा भी एलोवेरा ले सकते हो, ओरिजिनल वाला भी ले सकते हो। मेरे पास है ओरिजिनल वाला, पर असकत भाई असकत। और इसको अच्छे से फेस पे लगा लेंगे। पता है एक बार ऐसी मैं करते करते ना मैंने अपना आईब्रो यहां से हटा दिया था। इसलिए लगाना भी जरूरी है क्योंकि अगर फेस स्क्रब करते समय अगर कट उठ गया होगा तो वो इरिट। मैंने ये देखा था कि इसको यूज करने से आपके जो डेड स्किन है, जो फेस का मरा हुआ स्किन है, वो हट जाता है, फिर आपका अंदर से ये मेरा हो गया है। तो मम्मी का करते हैं। बाबू का तो गुड मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग, मम्मी का सारा बनाने के बाद फिर वो वीडियो ही आने।
अब हम लोग फेस का टैनिंग हटाने के लिए पैक बनाई है, जिसमें टर्मरिक और बेसन है। तो इसको रोज वाटर के साथ मिक्स करेंगे। जितना भी ये थिक हो जाए उतना डालेंगे। ऐसा लग रहा है ना मैं खाना कर रेसिपी बता रही हूँ, वैसे ही पकौड़ी भी बन जाएगा। पकौड़ी बन जाएगा, पकौड़ी बन जाएगा। बस इसमें नमक डालने का देरी है। चल जाएंगे तो ऐसे ही याद करेंगे मम्मी को लगा दे। हाँ किसको लगाएंगे बच्चों पर चौक कर रही है, इसे ही सोच रही है या मम्मी। नहीं बोलना चाहिए अभी क्या पता हो सकता है तुम बूढ़ा तक जिंदा रहे, दांत टूट टूट जाए, दांत भी ढक के चलना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे नमक भी आने देंगे तो व्हील चेयर ले देंगे ऐसे बैठने। चलो चलो ओ अब मेरी बारी है, अब हम लगाएंगे। अब गए पापा मम्मी को पास आन करने के लिए, काम कर रही है। इसका भी सुबह हो रहा है और मैं पैक लगाने से पहले इसको लगा लूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैसी इंसान हूँ। बिना गिराए मेरे से कुछ काम नहीं होता है, मेरे को पता है। और अभी मैं लगाऊंगी तो भी गिरेगा। इसको 15 मिनट तक अब सूखने देंगे। और मैं बोल रही थी ना कि गिर ही जाए। लुक एट दिस गाइस। मेरा भी लगभग लगभग सूख गया है और मम्मी का पोछा गजब दिख रहा है मेरा फेस। तो अब ठंडे पानी से वॉश कर लिया हमने। कुछ रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब टू डिटेन हो गया है और अब करना है एक्सपोलिएट। तो एक्सपोलिएट के लिए हमें चाहिए एक कटोरी, ले ली है एक कटोरी। ओ सॉरी इसको धो के आते हैं। टू कटोरी भी धो लिए हैं। अब इसमें डालेंगे कॉफी। ज्यादा नहीं डालेंगे वरना फिर कॉफी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो कॉफी डालनी है। डालेंगे चीनी। एक चम्मच चीनी की कीमत तुम क्या जानो स्क्रब बाबू। देखो अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच चीनी। एक कप ज्यादा हो गया। मिक्स 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 करेंगे। ज्यादा चीनी हो गया गाइस। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लेके और तो फेस अब आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो फेस अब आप थोड़ा सा तो बुरी लग रही हो और नीचे इतना ज्यादा चीनी गिर गया ना कि झाड़ू करके पोछा लगाना पड़ेगा वरना चीनी नाचने लगेगी। पूरी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है छूने में। आप सिर्फ जानो सॉफ्ट लग रही है, छू तो आप सकते नहीं हो मेरा स्किन। हम लगाएंगे मुल्तानी मिट्टी क्योंकि मेरा चेहरा है ऑयली फेस और जिसका ऑयली फेस नहीं है वो नहीं भी लगा सकता है और लगा भी सकता है।
है मेरे को अपना फेस देख के कैसा लग रहा है? पांडा जैसा, क्योंकि पांडा का मेरा फेस व्हाइट होता है पर फेस आईज के पास ब्लैक होता है, पर लेकिन मेरा आईज के पास पिंक पिंक हो रहा है और पूरा फेस ब्राउन हो रहा है। हम इसको रखेंगे 10 मिनट तक, तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपको। तो फेस वाला पूरा सूख गया है और 10 मिनट भी हो गए हैं जो घड़ी काम नहीं करता है, तो ठंडे पानी से मैं वॉश करके आती हूँ। तो अभी मैंने वॉश कर लिया है फेस और अब मेरा स्किन कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ी सी तो मैं गोरी लग रही हूँ। जस्ट किडिंग गाइस, काला कभी इंसान गोरा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा भी ये अच्छा है, पर लेकिन इसको लगाने के बाद मेरा फेस थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा क्लीन दिख रहा है, तो आप भी जरूर वो ट्राई करना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।